Hello, welcome to our classes. I am Dr. K.K. Mishra. This video tutorial is on descriptive questions and answers on KMB N102 Managerial Economics, a paper taught in MBA semester 1st of AKTU. This is part 2 of the series of video tutorials on the descriptive questions and answers on managerial economics. इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस करेंगे. जैसा कि हमने बताया पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में दैट क्वेश्चंस हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए हैं. कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको थोड़े बड़े लग सकते हैं. इसका मतलब कि उसमें दो पार्ट क्वेश्चंस, दो या तीन क्वेश्चंस बन सकते हैं. चूँकि हमने टॉपिक वाइज लिए हैं इसलिए पूरे टॉपिक को समझने में आसानी होगी. नाउ कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. वैसे तो थ्योरेटिकली हम मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट के रिलेशनशिप को या उसे डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पर हमने एक डेटा लिया है आउटपुट्स, दो दे आर नॉट विजिबल बट जस्ट आउटपुट एक कॉलम में है 1, 2, 3, 4, 5. इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं. टोटल यहाँ पर हम जब भी हम कॉस्ट की एनालिसिस करते हैं सो कॉस्ट के एनालिसिस हम दो तरीकों से कर सकते हैं. वन फॉर शॉर्ट टर्म पर्पजेस एंड अनदर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पजेस. एज फार एज शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन पर्पज इज कंसर्न, यहाँ पर हमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिलती है. क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट लगानी पड़ती है और टोटल कॉस्ट हमारा यहाँ that is equal to fixed cost plus variable cost. But in long term, means say more than 3 years or 5 years, the entire cost becomes variable. That means fixed cost also becomes variable cost. It varies over a long period of time. मतलब यहाँ पर ये हुआ कि long run में टोटल कॉस्ट इज एक्चुअली द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इट्सेल्फ एंड देर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट. बट इन द शॉर्ट रन देर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. और अगर हम कॉलम्स में देखें तो टोटल कॉस्ट हेयर इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अगर आप फर्स्ट आउटपुट पर देखें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड इट हैज़ टू रिमेन फिक्स्ड इन ऑल एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट. बट जब हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं था तो वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जब नील थी फिर भी हमारा टोटल कॉस्ट 10 आया. और जैसे जैसे द वेरिएबल कॉस्ट हमारा बढ़ रहा है उस तरीके से हमारा टोटल कॉस्ट भी बढ़ रहा है. हम यहाँ से एवरेज फिक्स कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ वी डिवाइड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय नंबर ऑफ आउटपुट दैट वी विल गेट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. और इफ वी डिवाइड टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ आउटपुट एट एनी स्टेज वी विल गेट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. बट हियर आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग ऑन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. जैसा कि हम जानते हैं मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट या दैट इज TCN-1. एक यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें कॉस्ट लगेगी उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे. एंड एवरेज कॉस्ट सीधे हम टोटल कॉस्ट से को जो हमारे आउटपुट हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा. ये तो रही बात इस डेटा की. अब हमें कॉन्सनट्रेट करना है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पर. अगर आप यहाँ पर देखें ये कहा जाता है, आगे हम ग्राफ में भी बताएंगे आपको, दैट व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग इनफैक्ट मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट. अगर यहाँ पर देखें ये 20 है, ये 10 है, ये 14 है, ये 8 है. बट मार्जिनल कॉस्ट कर्व आगे ग्राफ में दिखाई पड़ेगा दैट इंटरसेक्ट्स द एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट. And when marginal cost starts increasing, average cost is less than marginal cost. अगर आप यहाँ पर देखें 8 है and here at output, second last, here marginal cost
is 10, but average cost is 8.25, so this is lesser than that. ये बात अभी हम आगे ग्राफ में आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे और समझाएंगे. जैसा कि हमने कहा था दैट इन लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल बिकॉज कॉस्ट दैट आर फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन कैन बी चेंज इन लॉन्ग रन. अकॉर्डिंगली देर आर नो टोटल फिक्स्ड और एवरेज फिक्स्ड कर्व्स इन द लॉन्ग रन. देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट. वी सिंपली यूज द टर्म टोटल कॉस्ट. सिमिलरली देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ATS और AVS एंड वी विल यूज द टर्म LAC. इन द लॉन्ग रन फर्म विल प्रोड्यूस द आउटपुट एट विच द SAC इज मिनिमम. इट इज क्लियर दैट इन द लॉन्ग रन द फर्म हैज अ चॉइस इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्लांट एंड इट विल एम्प्लॉय द प्लांट विच यील्ड्स मैक्सिमम पॉसिबल यूनिट कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन आउटपुट. अब हम यहाँ पर देखें शॉर्ट रन में, जैसा कि हमने बात बताया था दैट मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिमिनिशिंग. नाउ हियर एवरेज कॉस्ट इज डिमिनिशिंग इनिशियली एंड यू नो मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट. जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर दोनों बराबर हैं. And marginal cost is greater than average cost when marginal cost starts rising. So ये जो combination है basically यही relationship है. ये हमें ज़रूर याद करने की ज़रूरत है. कैसे graph बनेगा ये graph यहाँ पर दिखाया गया है. अगर exam में आता है आप ये graph ज़रूर बना लें और इस तरीके से अगर आप explain करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लिखने में भी आसानी. शॉर्ट में यहाँ पर ग्राफ में लिखा हुआ व्हेन एसी इज फॉलिंग एमसी इज लेस देन एसी, व्हेन एसी इज राइजिंग एमसी इज ग्रेटर देन एसी, व्हेन एसी इज कांस्टेंट से एज एट पॉइंट ई एमसी इज इक्वल टू एसी, एमसी इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ एसी एंड कट्स एसी फ्रॉम इट्स लोवेस्ट पॉइंट. दीज फोर पॉइंट्स वन शुड कीप इन माइंड. Now let us talk about another question, that is what are external economies of scale. After all we need to understand the economies of scale itself. So economies of scale ko samajhne ke economies of scale, you know, hum kisi bhi jo hamare resources hain hum unko kaise economize, kaise optimum tarike se utilize kar sakte hain, aur yani ki hum wastage kitna kam kar sakte hain hamare जो रिसोर्सेज हैं, चाहे मैन मशीन मनी मटेरियल इन मैनेजमेंट टर्म और इन इकोनॉमिक्स टर्म्स लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज. सो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्वेश्चन तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल की है, लेकिन यहाँ पर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को समझने के लिए हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमें समझना पड़ेगा. इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हम उन रिसोर्सेज की बात करते हैं जिनको कि हम अच्छे तरीके से यू नो कंट्रोल कर सकते हैं और ऑप्टिमल तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं और उन पर हमारा पूरा कंट्रोल रहता है. एज फार एज एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और पेक्यूनरी इकोनॉमीज आर कंसर्न वी नॉर्मली डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर, रादर वी नीड टू कोप अप विद देम. सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हियर. इंटरनल और रियल इकोनॉमीज अराइज from the expansion of the plant size of the firm and are internalized. This implies that internal economies are exclusively available to the expanding firm. Internal economies are often classified under the categories like economies in production, economies in marketing, managerial economies, economies in transport and storage. Economies in production arise from two basic sources: technological advantages and advantages of division of labor and specialization. Jaisa ki humne kaha tha, skills, specialization, experience, labor. Economies in marketing arise from large scale purchase of raw materials and other material inputs as well as large scale selling of the firm's own products. Economies in marketing, the firm's own product are associated with economies in advertisement cost, economies in large scale distribution through wholesalers and other large scale economies. Managerial economies, these arise from specialization in management and mechanization of managerial functions.
Economies in transport and storage costs arise from full utilization of transport and storage facilities. Now, external or pecuniary economies of scale, these kind of economies of scale accrue to the expanding firms from the advantages arising outside the firm from the input market. For example, pecuniary economies accrue to the large size firms in the form of discounts and concessions on large scale purchase of raw materials, large scale acquisition of external finance, massive advertisement campaigns, large scale hiring of means of transportation and warehouse and the like. I hope that you have understood it clearly. Now, question number 8. What do you understand by market? So, the term market actually refers not necessarily to a particular place, but always to a commodity and the buyers and sellers who are in the direct competition with one and another. Personal contact between buyers and sellers is not necessary. Even transfer of ownership of goods is not necessary. Market may be local, regional, national, or international. Determination of price of a commodity depends on the number of sellers and the number of buyers. The number of sellers of a product in a market determines the nature and degree of competition in the market, and the nature and degree makes the structure of the market. The essential features of market are here, like area or one commodity. In economics, a market does not mean a particular place, but the whole region, whole world, where sellers and buyers of a product are spread. Modern modes of communication and transportation have made the market area for a product very wide. One commodity. In economics, a market is not related to a place but to a particular product. Hence, there are separate markets for various commodities. For example, there are separate markets for clothes, grains, jewelries, etc. Third, buyers and sellers. These are the features of market. The presence of buyers and sellers is necessary for the sale and purchase of a product in the market. In the modern age, the presence of buyers and sellers is not necessary in the market because they can do transactions of goods through letters, telephones, business representatives, internet, etc. Another feature is free competition. There should be free competition among buyers and sellers in the market. This competition is in relation to the price determination of a product among buyers and sellers. One price, yes. The price of a product is the same in the market because of free competition among buyers and sellers. Now, what is a perfectly competitive market? Describe the characteristics of a perfect market. Ye question aapke exam mein aa sakta hai. So, what is perfect competition? A market is said to be perfectly competitive when demand and supply forces operate freely to determine the market price. This market price is uniform for the whole market. There is no restriction on entry, no product differentiation, and no market concentration. For example, local vegetable market. The market structure will determine a firm's ability to make pricing decisions or its degree of freedom in the determination of product prices. Depending on the market structure, the degree of freedom varies from 0 to 1. This degree of freedom implies the extent to which a firm is free or independent of the rival firm in setting product prices. The higher the degree of competition, the lower the firm's degree of freedom in making decisions about product prices. Now, characteristics of perfect competition. One, there should be large number of buyers and sellers. In the first condition is that number of buyers and sellers must be so large that none of them individually is in a position to influence the price and output of the industry as a whole. In the market, the position of a purchaser or a seller is just like a drop of water in an ocean. Two, homogeneity of the product. Each firm should produce and sell a homogeneous product so that no buyer has any preference for the product of any individual seller over others. If goods will be homogeneous, then price will also be uniform everywhere.
Third, free entry and exit of firm. The firm should be free to enter or leave the industry. If there is hope of profit, the firm will enter in business, and if there is profitability of loss, the firm will leave the business. Perfect knowledge of the market. Buyers and sellers must possess complete knowledge about the prices at which goods are being bought and sold, and of the prices at which others are prepared to buy and sell. This will help in having uniformity in prices. Fifth, perfect mobility of the factors of production and goods. There should be perfect mobility of goods and factors between industries. Goods should be free to move to those places where they can fetch the highest price. Six, absence of price control. There should be complete openness in buying and selling of goods. Here, prices are liable to change freely in response to demand and supply condition. Seventh, perfect competition among buyers and sellers. Yes, in this, purchasers and sellers have got complete freedom for bargaining. No restrictions in changing more or demanding, charging more or demanding less. Competition feeling must be present everywhere. Absence of transportation cost. There must be absence of transportation cost. Means in having less or negligible transportation cost will help compete market in maintaining uniformity in price. Absence of transportation cost means that the transportation charges which are being made, they are at market price or competitive price. One price of the commodity. There is always one price of the commodity available in the market. Independent relationship between buyers and sellers. There should not be any attachment between sellers and purchasers in the market. Here the seller should not show prick and choose method in accepting the price of the commodity. If we will see from the close, we will find that in the real life, perfect competition is really a pure myth. So this was all about this particular video tutorial. These questions I have explained from your viewpoint. I hope that you have understood it. And definitely, if you have understood it, definitely you can write, you know, a better answer if to these questions if they are asked. Thank you very much. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice time. Best of luck.